कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी बाबा धाम नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में बुद्धि विहार में चल रही राम कथा के तृतीय दिवस पर राम कथा का शुभारंभ वाराणसी से पधारे राम जन्म योगी शंख वादक के द्वारा बिना रुके 4 मिनट तक शंखनाद कर हुआ, जिस पर पूरा पंडाल तालियों की गूंज से गूंज उठा। उसके पश्चात पधारे श्री आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर आनंद श्री श्री विभूषित 1008 स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज श्री तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा जी का स्वागत कर किया गया। महामंडलेश्वर जी के मुख अरविंद से बताया, जब भी आप कहीं भी कथा सुनने जाएं तो मनुष्य को कथा के भाव को समझना चाहिए। कथा आपको आचरण सिखाती है, कथा आपको परंपरा से जोड़ती है, कथा आपको आपके अस्तित्व से जोड़ती है, कथा आपकी इंद्रियों को शुद्ध करती है, कथा आपके मन को शुद्ध करती है, कथा आपको आपके विकारों से मुक्ति दिलाता है, आपके अंतःकरण में परमात्मा को जागृत करती है और यंत्र मंत्र तंत्र इन्हीं से सृष्टि चलती है। यंत्र परमात्मा का अस्तित्व है और मंत्र परमात्मा का व्यक्तित्व और तंत्र परमात्मा का भजन है। इसलिए कहते हैं कि जब भी कथा में जाएं तो वहां से कोई न कोई एक मंत्र लेकर जरूर जाएं। महामंडलेश्वर जी के पश्चात परम पूज्य रमेश भाई ओझा जी के द्वारा जहां कल कथा को विश्राम दिया गया था वहीं से शुभारम्भ किया गया। कथा व्यास जी के मुख अरविंद से कहा गया कि हम धन्य कि हमारे पास रामायण और महाभारत भागवत जैसे ग्रंथ है। भागवत गीता अपने आप में ब्रह्म विद्या है, इसलिए कथा में ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को जाना चाहिए। यह कोई बुजुर्गों के लिए नहीं है। गीता चिंता से मुक्ति सिखाती है। आज हर व्यक्ति चिंताग्रस्त है। चिंता से मुक्ति के लिए युवाओं को भागवत पढ़ना या सुनना चाहिए। पूरी भागवत में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि भागवत पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। हमने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तब भागवत गीता को ही भेंट करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। कल राम कथा में प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आरती में विनित कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथा अमृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार कोषा अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल एवं समस्त पंडाल में अनेकों पूजा की थालियों द्वारा सामूहिक आरती की गई, जिसमें काफी संख्या में राम भक्तों ने आरती कर धर्म लाभ कमाया। आज के मुख्य अतिथि रहे श्री अतुल सिंगल, राज्यपाल असम और नागालैंड के पूर्व मीडिया सलाहकार हैं। श्री सिंगल वरिष्ठ टीवी पत्रकार श्री राजेंद्र अग्रवाल श्री अग्रसेन धाम कुंडली के संस्थापक प्रधान हैं एवं प्रमुख समाज सेवी रहे। कथा स्थल पर श्री दीपक कृष्ण उपाध्याय जी महाराज व्यास जी मुरादाबाद वाले के मार्गदर्शन में 9 ब्राह्मणों के द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। पंडित परशुराम उपाध्याय, अंकित शर्मा, विकास शर्मा, जीतू शर्मा, राघव शर्मा, गोपाल पांडे, अनिल मिश्रा, राम बाबू शर्मा के द्वारा रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। कथा में उपस्थित रहे श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकर्षक लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, ज्ञानेंद्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, विनोद राय, वरिष्ठ सक्सेना, राकेश गुप्ता, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, श्याम सुंदर गौड़, सचिन गुप्ता, विनित गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, ज्योति बंसल, शशि अरोड़ा, मीनू मेहलोत्रा, हरि गोपाल शर्मा, के गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। बिनु सत्संग उदात सुना